गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा प्यावी फर्टिलिटी टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक विचार विमर्श करने वाले हैं। विचार विमर्श करने वाले हैं इस पॉइंट पे कि अगर किसी गायनी प्रॉब्लम के लिए हमें लैप्रोस्कोपी करना पड़ता है वो बेहतर है कि ओपन सर्जरी बेहतर होती है। मेरा तो ये सोचना है, इनफैक्ट मेरा क्या, साइंस ये कहता है, लेटेस्ट स्टडीज ये कहती हैं कि ओपन सर्जरी से कई गुना बेहतर लैप्रोस्कोपिकली गायनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। लैप्रोस्कोपी के जो 5 फायदे हैं जो ओपन सर्जरी के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद और एडवांटेजियस हैं वो ये हैं। 1, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपको पेशेंट को अगले दिन 24 घंटे में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो अपने घर जा सकता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सिर्फ मात्र 1 सेंटीमीटर के 2 से 3 कट लगते हैं, जिससे हम बच्चेदानी का और अंडेदानी का सही जायज़ा लगा लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसका वहीं पर सॉल्यूशन कर देते हैं। पेशेंट को हम 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं, भले ही कितनी कॉम्प्लिकेटेड और लंबी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी रही हो। 2 फायदा क्या है, कॉस्मेटिकली बेटर होता है। सोचिए अगर हमें कोई फाइब्रॉइड या गांठ निकालने के लिए एक बड़ा सा पेट में कट करना पड़े तो फिर वो अच्छा लगेगा या उसके मुकाबले मात्र 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कट जो कि बाद में कुछ दिनों बाद तो दिखते भी नहीं है पेट पे, तो कॉस्मेटिकली बेटर। 3rd वो ये है, लेस पेन और फास्ट रिकवरी, मतलब दर्द कम और जल्दी ठीक हो जाना, जल्दी अपने पैरों पर चढ़ने लग जाना, जल्दी कोई दिक्कतें नहीं होना। वो क्यों, आप सोचिए, एक बड़ा कट पेट पे लगा है वो बेटर है कि छोटा सा 1 सेंटीमीटर का कट, किसकी रिकवरी फास्ट होगी, ऑटोमेटिकली छोटे कट की रिकवरी फास्ट होगी। 4th बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, इंसिशनल हर्निया के चांसेस कम होते हैं। जितना बड़ा कट हो उतना इंसिशनल हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं और स्पेशली ये मोटे लोगों में या फिर जिनमें क्रोनिक कफ की प्रॉब्लम है, लगातार खांसी बहुत आती है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनमें इंसिशनल हर्निया के चांसेस बढ़ते हैं। तो जितना बड़ा कट होगा उतना बड़ा हर्निया होने का चांस होगा। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है। और 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस भी कम से कम होते हैं, क्योंकि रिकवरी फास्ट है, पेशेंट फिट होकर जल्दी वापस जा रहा है, तो पोस्ट ऑप कैथेटर, पेशाब की नली ज़्यादा रखना, यूरिन इन्फेक्शन, पोस्ट ऑप इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। हम लैप्रोस्कोपी एक क्लोज चेंबर में करते हैं, पूरा पेट नहीं काटा जाता है, तो हॉस्पिटल अक्वायर्ड और ऑपरेशन थिएटर में होने वाले इन्फेक्शन की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो लैप्रोस्कोपी को मिलते हैं फुल मार्क्स ओपन सर्जरी के मुकाबले। आज के समय में जब सुविधाएं इतनी एडवांस हो चुकी हैं, इतने एक्सपर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें उसी के लिए जाना चाहिए रादर देन वो पुराने समय की ओपन सर्जरी के लिए। नमस्कार दोस्तों।